वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज मिश्रा सर आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का वन ऑफ द इजीएस्ट और वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है कैलेंडर। जी हाँ, आज हम कैलेंडर के बारे में इतना ब्रीफली इतना डीपली एनालिसिस करेंगे ताकि आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। दोस्तों आपके जो सीजीएल के एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें ये कैलेंडर टॉपिक जो है ये बहुत स्कोरिंग माना जाता है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आपके लिए मैं एक टॉपिक जरूर लेके आऊं। दोस्तों देखिए हम आज क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि बेसिक कैलेंडर्स में क्या होता है, आखिरकार कैलेंडर में क्या होता है, कैसे करते हैं चीजें, हम कैसे उसको पढ़ते हैं वो भी पढ़ेंगे। साथ में आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर कैलेंडर में वीक के बारे में एनालिसिस करेंगे, आखिरकार वीक में कितने डेज होते हैं, आज अगर कुछ है आज कौन सा दिन है तो आने वाले इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। आज ये सारी एनालिसिस करेंगे और लास्ट में कुछ हम क्वेश्चंस और एग्जांपल के साथ आपका सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक हमारे सेशन में बने रहिए, ठीक है। देखिए होता क्या है कि कैलेंडर एक पेपर होता है जिसमें हमारे मंथ्स होते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर में ईयर्स वन ईयर में हमारा दोस्तों 12 मंथ होता है। सबसे पहले तो बात ये, वन ईयर में क्या होता है 12 मंथ्स होता है, और 12 मंथ्स में दोस्तों आइदर 30 डेज, आइदर 31 डेज या 28 और 29 डेज होता है। दोस्तों ये बेसिकली हमारा फरवरी महीने के लिए होता है, ठीक है। ये क्या होता है फरवरी मंथ के लिए होता है, और 30 और 31 डेज हमारे अदर मंथ में होते हैं, वो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो एक ईयर होता है, ईयर भी दोस्तों आपको जान के ये आश्चर्य होगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर आप पहले जानते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है कि जो ईयर होता है फ्रेंड्स वो टू टाइप्स के होते हैं। आप बोलेंगे कैसे? दोस्तों एक ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है ईयर जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑर्डिनरी ईयर। दोस्तों देखिए जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है हमारा 365 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स में, और नेक्स्ट जो होता है नॉन ऑर्डिनरी ईयर्स उसमें दोस्तों 366 डेज होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट आता है हमारा कि ऑर्डिनरी ईयर और नॉन ऑर्डिनरी ईयर्स में ये 365 डेज होता है और इसमें 366 डेज होता है। दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में नॉन ऑर्डिनरी ईयर को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्या? लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। नॉन ऑर्डिनरी ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये लीप ईयर है? फ्रेंड्स इसके लिए भी एक एनालिसिस है, मैं आपको फर्दर अभी आगे बताऊंगा। अभी तक आप यहां तक जानिए कि एक ईयर में 12 मंथ्स होता है और उन महीनों में कितने कितने दिन होते हैं, चाहे तो वो 30 डेज का होता है चाहे तो 31 डेज का होता है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फरवरी मंथ की बात करें फ्रेंड्स तो वो 28 या 29 डेज का होता है। अब देखिए कि जब वो ऑर्डिनरी ईयर होगा, कोई भी ईयर जब भी वो ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें 28 डेज होते हैं फरवरी के महीने में, और जब वो लीप ईयर होता है फ्रेंड्स तो उसमें 29 डेज होते हैं लीप ईयर के। मींस दैट किसी भी साल में अगर फरवरी के महीने में 21 डेज होता है तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि वो पर्टिकुलर ईयर क्या है, आपका लीप ईयर है। इतना बात समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा जो लीप ईयर होता है वो ऑलवेज प्लस 4 ईयर के आफ्टर में ही आएगा। मींस दैट ये लीप ईयर आपका हमेशा 4 साल के बाद ही आएगा। मींस दैट अगर आज इस साल 29 फरवरी डेट होती है, इस साल में अगर डेट 29 फरवरी है दोस्तों, ये 29 फरवरी अगले 4 साल के बाद ही आएगी, ये लीप ईयर होता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि आखिरकार हम लीप ईयर कैसे डिसाइड करते हैं, हम कैसे बताएं कि ये लीप ईयर है या ये लीप ईयर नहीं है, वो सारी चीजें आगे बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों आगे हमारे साथ रहिए। देखिए यहां तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों, ये था आपका बहुत ही बेसिक जो आपको पता होगा, या जिन भाई बहनों को नहीं पता है तो वो समझ चुके होंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, आखिरकार ऑड डेज किसे कहते हैं वो समझिए, आखिरकार इसको हमने इवन क्यों नहीं कहा, ये ऑड क्यों है? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है ऑड इवन, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑड क्या है देखिए होता क्या है कि हमारे पास कितने डेज होते हैं,
नॉर्मल मंथ्स में कितने डेज होते हैं दोस्तों। वो डेज मैं 1, 2, 3 वाला नहीं बोल रहा हूँ, डेज मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये वाला बोल रहा हूँ दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, 7 डेज होते हैं ठीक है। तो दोस्तों अगर एक ऑर्डिनरी ईयर है, अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें 365 डेज होता है, अगर दोस्तों इसमें अगर मैं इस 7 का डिवीजन करता हूँ, 7 क्या करता हूँ डिवीजन करता हूँ, तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर इसको मैं हटा दूं ऐसे डिवाइड करूं, ये थोड़ा क्लियर ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 7 5 35 ठीक, कैरी 1 ये 5 यहां उतर गया ठीक, 7 2 14 कैरी मतलब माइनस किया 1 ठीक। अब दोस्तों देखिए हमारा 52 क्या है, क्वोशेंट आया है ठीक, और 1 क्या आया है, रिमाइंडर आया है दोस्तों। अब हमें यहीं पे गौर करना है कि जो हमारा 1 आता है मीन्स दैट कभी भी कोई सा भी ईयर है, एक ऐसा ईयर है जिसमें 1 हमारा 1 मतलब 1 डे, ये 1 डे है, 1 डे हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो ऐसे ईयर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कहेंगे पहली बात। दूसरा कि ऑर्डिनरी ईयर में यहां पर आप मेंशन कर दीजिए कि ऑर्डिनरी ईयर में हमारा ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होते हैं ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। ये जो 1 निकल के आया है इसको कहेंगे हम ऑड डेज, मींस दैट कि हम लोग का अगर मंथ, वैसे मान लीजिए जनवरी है, जनवरी फर्स्ट जो जनवरी है मान के चलिए कि वो आपका मंडे से स्टार्ट होती है, लेट अज्यूम मंडे से स्टार्ट होती है दोस्तों। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 डेज कंप्लीट हो गए, मंडे से जाके संडे तक खत्म हो गया, फिर अगेन मंडे स्टार्ट हुआ ना दोस्तों। 365 डेज में लास्ट वाला जो होगा, लास्ट मतलब 31st जो दिसंबर होगा वो संडे को खत्म होगा, लेकिन ईयर तो खत्म हो गया आपका, डेज भी खत्म हो गया, लेकिन एक दिन फालतू जाएगा, वो जाएगा फिर से अगला जब मंडे आएगा वो एक्स्ट्रा होगा दोस्तों। एक दिन जो फालतू हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑड डेज ठीक है दोस्तों। ये होता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए अगर मैं लीप ईयर को करता हूं तो क्या होता है, देखिए दोस्तों देखिए क्या होगा कि अगर 366 है, देखिए 7 से डिवाइड किया, अगेन यहां पे 5 35 माइनस 1 आया रिमाइंडर, यहां से 6, यहां पे 2, यहां पे 14 माइनस 2, अब देख सकते हैं यहां पे 2 आया फ्रेंड्स, तो 2 यहां पे क्या है, ये ऑड डेज है। तो आप ये देख सकते हैं कि लीप ईयर में आपका, लीप ईयर में फ्रेंड्स हमारा 2 ऑड डेज होते हैं ठीक है। तो आपको दोस्तों ये समझ जाइए, याद कर लीजिए कि हमारे ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होते हैं और लीप ईयर में हमारे फ्रेंड्स 2 ऑड डेज होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है ठीक। अब इसके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीक्स इन अ कैलेंडर, हम वीक्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कैसे होगा, यहां देखिए दोस्तों वीक को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा कोई भी वीक होता है, हम एक अजम्पशन है हमारा, ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा वीक कहां से स्टार्ट होता है, हमारा वीक स्टार्ट होता है मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और देन संडे, फिर यहां जब आएंगे तो फिर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा ये साइकिल, फिर से मंडे से स्टार्ट हो जाती है ठीक है। अब देखिए आपका आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि मान के चलिए कि प्रेजेंट आज टुडे, टुडे क्या है, आज टुडे हमारा आज है मंडे, लेट अज्यूम दैट आज क्या है मंडे है। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर 61 डेज आफ्टर कौन सा डे होगा, मतलब आज अगर मंडे है तो 61 दिनों बाद फिर से उस दिन कौन सा दिन होगा, क्या उस दिन मंडे होगा, क्या उस दिन ट्यूसडे होगा, वेनेसडे होगा, क्या होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए एक कॉन्सेप्ट तो आप मान के रखिए कि जब भी आपका डेज आए, वीक आए या डेज आए, सब में हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना होगा। तो दोस्तों देखिए क्या है कि 63 है, आप क्या कीजिए, अरे 61 है ये ठीक है, क्या है 61 है, इसको आप कर दीजिए 7 से डिवाइड, 7 8 से कितना होता है 15,
कितना बचा यहाँ पे, जल्दी बताइए यहाँ कितना बचा, 5 बचा। अब दोस्तों देखिए 5 क्या हमारे पास रिमाइंडर है, तो मीन दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये 5 जो आया है ये क्या है, ऑड डेज है। ऑड डेज का मतलब क्या हुआ कि हमारा सीक्वेंस जो है यहाँ पे, हमारा जो एक टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ये ऑड है वो फालतू जा रहा है, तो दोस्तों फालतू जा रहा है तो उसका मतलब क्या, वो सीरीज फिर से यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर से स्टार्ट होते दोस्तों कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन बचे हैं ना, 5 फालतू दिन आ रहे हैं ना, मतलब मंडे से तो स्टार्ट था हमारा, कहां से स्टार्ट था, मंडे स्टार्ट था, लेकिन ये पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं हुआ। अगर पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता दोस्तों तो वो कहां पहुंचता, संडे को पहुंचता। ठीक है, तो अभी कहां है वो, 5 दिन फालतू हुए दोस्तों। फिर यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 दोस्तों, हम कहां पहुंच गए, फ्राइडे पे। मींस दैट कि अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद जो दिन होगा वो क्या होगा, फ्राइडे आएगा हमारा आंसर। तो आप समझ गए कैसे हमने किया है फ्रेंड, यही कॉन्सेप्ट होता है इसका, कि अगर आपको एग्जाम में कुछ भी दे दे, यहां तो 61 है ना, आपको बड़ा से बड़ा डिजिट भी दे दे, 3 डिजिट भी दे दे, उसमें आप क्या करिए, सिंपली 7 से ही डिवाइड करते रहिए। क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए, हमें रिमाइंडर से मतलब होता है, क्वेश्चन से मतलब नहीं होता, हमें रिमाइंडर से मतलब कि रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर 2, 1, 0 जो भी बचा हो फ्रेंड्स, हम इसको फिर से काउंटिंग करते हैं वैसे ही और हमारा आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आपने यहां तक समझ गया कि हम वीक कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए पूछा गया हो कि आज प्रेजेंट में, आज जो डेट है मान के चलिए कि आपके आज की डेट है 15 मार्च 2002, तो पूछेगा कि इतने दिनों बाद कौन सी डेट होगी, तो दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है कि इफ 17 मार्च 2008 इज मंडे, मतलब ये बोल रहा है कि 17 मार्च को, अगर 2018 में 17 मार्च का अगर हम डेट देखते हैं तो उस दिन हमारा क्या था, मंडे था। क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट विल बी ऑन 1st अप्रैल 2012, देखिए क्या पूछ रहा है कि 2008 में अगर 17 मार्च को मंडे था तो बताइए कि 1st अप्रैल 2012 को कौन सा डे रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो ही चीज की जानकारी चाहिए होती है, एक क्या चाहिए होती है, लीप ईयर, और एक चाहिए होता है ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है दोस्तों, आपको तो ये यहां तक पता चल गया होगा कि हम कैसे लीप ईयर फाइंड आउट करते हैं, अगर लीप ईयर फाइंड आउट पता चल गया तो हम पता ये भी कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लीप ईयर में कितने और डेज होता है। तो आप देखिए क्या है, हमें पहले क्या करना होता है कि ये ईयर टू ईयर मूव करना होता है, मींस दैट हमें यहां क्या लिखना होगा कि 2008 2009 2010 2011 और 2012। फ्रेंड्स हमें यहां से कहां पे आना है, ये यहां आना है दोस्तों, यहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे आपका कि ये जो आपका 2008 है ये क्या है, आपका लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो 2008 है ये 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हुआ। ठीक, ये क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हुआ। ठीक, और ये अगेन क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हुआ। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर होता है दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपली क्या हुआ, ऑर्डिनरी हुआ, ये 4 से डिविजिबल है, देखिए आप 8 लिखा लास्ट में, तो ये क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं, क्या होता है, 2 ऑड डेज होता है, इसमें होते हैं 1, इसमें अगेन होता है 1, और दोस्तों इसमें अगेन होता है हमारे पास 1। दोस्तों टोटल हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास टोटल दोस्तों ऑड डेज कितने हो गए, 5 ऑड डेज हमारे पास हो गए हैं। यहां तक चीजें समझ में आई आपकी, कि हमारे पास 8 से लेकर 11 तक, क्योंकि हमें 12 में तो पहुंचना ही पहुंचना है, ये अभी नहीं गिनेंगे, हम इस यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो लीप ईयर, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी इतने दिन में हमारे ये जो 3 इयर्स हैं वो ऑर्डिनरी इयर्स होते हैं, जिसमें कि ऑड डेज 1-1 होता है, और ये जो ये है वो लीप ईयर होता है, इसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होता है। टोटल ऑड डेज कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 5 ऑड डेज हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज देखिए कि अगर आपका यहां पे 17 मार्च को आपका मंडे है, ठीक है, अब यहां इस मंडे से हमें
जो ये बढ़ना है हमें तो 5 days आगे जाना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है एंड देन संडे है। अगर मंडे को हम ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे मंडे को क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जितने और डेज आते हैं हम उसको क्या करते हैं, फर्दर एड ऑन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने 1, 2, 3, 4, 5 आप यहां कहां पहुंच गए, आप इस डेट पे पहुंच गए कि हम 17 मार्च, मतलब यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो मीन्स आप यहां पे क्या पहुंचे कि आप 17 मार्च 2012 में आप पहुंच चुके हो, यहां से यहां आ गए हो, और उस दिन क्या है आपका सैटरडे है। ठीक है, क्योंकि आप 5 days थे, मंडे से 5 आगे बढ़ के सैटरडे तक आ गए हो, मीन्स दैट 17 मार्च 2012 को आ गए। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 1 अप्रैल 2012 में। तो फ्रेंड्स अगर आप काउंट करेंगे कि 17 तारीख से लेकर आपका 1 तारीख तक, 17 मार्च से लेकर का आपका 1 अप्रैल तक आप पहुंच रहे हैं, तो दोस्तों आपको कितने डेज लगते हैं। दोस्तों आपको डेज लगता है 15 डेज लगते हैं 17 तारीख से अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो। ठीक है आप काउंट कर लीजिएगा फिंगर्स, तो आप वहां पे 15 डेज में पहुंचते हैं। ठीक है अब मेरे को ये बताइए फ्रेंड्स कि अगर आप, आज है सैटरडे, ठीक है, और हमारा टोटल जो वीक होता है वो 7 डेज का होता है, मीन्स दैट कि अगर आज सैटरडे है तो अगले 7वें दिन क्या होगा, फिर सैटरडे होगा, मीन्स दैट 1 से लेकर 7 डेज तक हमारा एक सैटरडे मिल जाएगा 7 डे पे, फिर 7 से लेकर 14 डेज पे फिर सैटरडे मिल जाएगा। मिल गया, मीन्स दैट कि हम अगर 7th डे पे आएंगे, 17 से 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो सैटरडे आएगा, फिर वो 7 से फिर अगले 7 दिन बढ़ेंगे 14वें दिन तो फिर सैटरडे आएगा। लेकिन मीन्स दैट दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर उसमें एक दिन और ऐड कर दें तो क्या वो संडे नहीं आएगा। और दोस्तों संडे आ गया तो क्या हम वहां पे 1 अप्रैल हम 2012 में नहीं प्रवेश कर गए। और दोस्तों अगर हम प्रवेश कर गए तो दोस्तों 1 अप्रैल 2012 में हमारा आंसर होगा संडे। तो दोस्तों देख लिया हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मीन्स दैट क्वेश्चन आपको मैं रिपीट कर रहा हूं कि 17 मार्च 2008 को मंडे था, पूछ रहा है कि 1 अप्रैल को क्या होगा 2012 में। दोस्तों क्या करना है आपको, 8 लिखना है, 9, 10, 11, 12 यहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन जो लास्ट ईयर जहां पे पहुंचना है उसको काउंट नहीं करना। ठीक है कैसे, देखिए 2008 क्या है, हमें पहले ये लिखना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है तो लीप ईयर है तो ऑड डेज 2, ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑड डेज 1, 1, 1, टोटल ऑड डेज हमें क्या करना है लिख देना है। अब दोस्तों अगर ये इस डेट को मंडे था तो ऑड डेज आए हैं 5 फालतू, मीन्स दैट कि आपका 8 से लेकर जब 12 पे पहुंचेगा ये, तो हमारे और डेज जब 5 एक्स्ट्रा गिनेंगे तो मंडे से हम एक्स्ट्रा गिनते हैं तो हमारा क्या आता है सैटरडे आता है, मतलब मंडे से ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 5th डे हमारा कौन सा होगा सैटरडे होगा। सैटरडे को हम पहुंच गए, अब फ्रेंड्स 17 मार्च को पहुंचे हम लोग, हमें कहां जाना है 1 अप्रैल में जाना है। दोस्तों वहां से 15 डेज होता है तो 7 + 7 14 डेज तक हमारा सैटरडे चल रहा है, लेकिन 15 डेज में +1 किया तो संडे पहुंच गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया संडे, मतलब 1 अप्रैल को हमारा संडे है। दोस्तों ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, बेसिक है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है और आपको समझ में आते सारी चीजें तो आप इजी सॉल्व उसको कर सकते हैं। दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है उतना, इस पे क्वेश्चंस लगाइए, अलग अलग क्वेश्चन बुक्स लगाइए, अलग अलग आप प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व कीजिए, अपनी इसके ऊपर पकड़ बनाइए। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।